वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन ऑनलाइन क्लास इन अवर स्कूल। टूडेज अवर टॉपिक इज चेंजेज एंड रिएक्शन, मतलब परिवर्तन और अभिक्रियाएं। आज अपन पढ़ेंगे चेंजेज और रिएक्शन, परिवर्तन और अभिक्रियाएं, ठीक है ना। देखो, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, यानी एक रूल से प्रकृति का, जो यूनिवर्स का आप सबने पढ़ा होगा, मैं बोलता रहता हूँ क्लास में, चेंज इज रूल ऑफ नेचर, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। देखो, एवरीथिंग चेंज अराउंड अस, हर चीज हमारे चारों तरफ चेंज होती है। थिंग्स अराउंड अस आर चेंजिंग कंटिन्यूअसली, वस्तुओं का परिवर्तन होना एक जरूरी होता है। आवर डे टू डे एक्टिविटीज ऑल्सो ब्रिंग अबाउट मेनी चेंज, हमारी जो दिनों दिन की जो एक्टिविटीज होती है, बहुत सारे चेंजेज हमारे अंदर लाती है। फॉर एग्जाम्पल, When you keep ice into the open melts, जैसे आप बर्फ को खुले में रखोगे वो पिघल जाएगा। A piece of paper when burnt changes into ash, जैसे अपन पेपर को जलाएंगे वो ash में कन्वर्ट हो जाएगा। When vegetable और दाल pulses are cooked, their appearance and shape change in completely, दाल को अपन जब पकाते हैं उसका शेप और अपीरियंस पूरी चेंज हो जाती है, टेस्ट वगैरह। A seed germinates and the baby plant comes out, सीड हमेशा जर्मिनेट होके एक बेबी प्लांट बाहर निकल देता है, उसमें निकाल देता है। देन दिस प्लांट ग्रेजुअली ग्रोज इनटू अ बिग ट्री, वही प्लांट बड़ा, बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। देर आर अ नंबर ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस ऑल द टाइम अराउंड अस, इस प्रकार के चेंजेस हमारे चारों तरफ चलते रहते हैं। मॉर्निंग गिव्स वे टू डे, देन इवनिंग फॉल्स, सूरज हमेशा राइज होगा और शाम के समय ढल जाएगा। इट गेट्स कूलर एंड डार्क, वो उससे क्या होता है, गर्मी और ठंड, मतलब ठंड और डार्क बोलते हैं, अंधेरा वो छाता रहता है, इधर उधर चेंज होता रहता है। सीजन चेंजेस एंड अलोंग विद अवर लाइफ स्टाइल, अवर लाइफ स्टाइल भी चेंज होती है सीजन के अकॉर्डिंग। जैसे कभी सीजन कैसे हो जाती है, सर्दी में हम विंटर में विंटर क्लोथ पहनते हैं, समर में समर क्लोथ पहनते हैं, रेनी में रेनी क्लोथ पहनते हैं। खाना हमारा अलग हो जाता है, फूड डिशेज अलग हो जाती है, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। सम चेंजेस कैन बी नोटिस्ड इमीडिएट, यहाँ तक की बीमारियां भी सीजन के अकॉर्डिंग आती है। सम चेंजेस कैन बी नोटिस्ड इमीडिएटली, कुछ चेंजेस हम इमीडिएटली यानी हाथों हाथ नोट कर लेते हैं, कुछ में टाइम लगता है। वाइल सम अदर चेंजेस आर नोटिसेबल आफ्टर सम टाइम, जैसे कुछ तो चीजें होती है सेकंड या मिनटों में चेंज हो जाती है, वो तो हम हाथों हाथ ऑब्जर्व कर ले, कुछ में दिनों लग जाते हैं, कुछ में घंटों, कुछ सालों, कुछ महीनों लग जाते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, इस चैप्टर में हम दो प्रकार के चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। सबसे पहले फिजिकल चेंज, द चेंज इनटू व्हिच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मड एंड व्हिच कैन ग्रेजुअली जनरली बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। ध्यान से देखना, फिजिकल चेंज जिसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, वही चीज वापस ओरिजिनल फॉर्म में वो आ सकता है, यानी जो रिवर्स नहीं हो, रिवर्स हो सकता है, वापस वैसा का वैसा बन सकता है। उसमें सिर्फ चेंज होगा ना, तो उसकी शेप में, उसके कलर में, उसकी स्टेट में चेंज होगा, बाकी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। शेप यानी जिसका कलर चेंज हो सकता है, साइज यानी लकड़ी को काट दिया वो छोटी हो सकती है, लेकिन वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ शेप चेंज, उसकी मतलब फिजिकल स्टेट चेंज होगी। जैसे वाटर से आइस बनना, आइस से वैसे उस टाइप से वेप्योर बनना। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल आइस सॉलिड ठोस एंड इट चेंज इनटू वाटर, जैसे आइस सॉलिड है वो किसमें चेंज हो रहा है, वाटर में, इसकी स्टेट चेंज हो गई। वाटर चेंज इनटू वाटर वेप्योर गैस, ये भी स्टेट चेंज और हीटिंग। एंड द चेंजेज आर रिवर्सिंग बाय कूलिंग, और इसको कूलिंग करते वापस रिवर्स जैसा था वैसा, उसमें पानी को ठंडा करने से वापस फ्रिज में रखने से बर्फ बन जाता है। ऑब्वियसली नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, इसमें कोई नया नहीं बन रहा, वही चीज वापस घूम रही है, बार रिवर्स हो रही है। दे डिफर फ्रॉम वाटर इन वाटर ओनली इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट्स, वो सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और स्टेट से ही डिफरेंट, एक दूसरे में उनमें अंतर होता है। व्हेन अ ग्लास पॉट ब्रेक्स इनटू पीसेज, जब अपन ग्लास पॉट से उसको ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पीसेज, इट साइज एंड शेप चेंज, उसका शेप और साइज चेंज हो जाती है। लेकिन द ब्रोकन पीसेज आर सेम सब्सटेंसेज एज अ ग्लास पॉट, लेकिन वही सेम सब्सटेंस है जो ग्लास पॉट में थे। फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्सिबल और रिवर्सिबल आर मोर लाइकली टू बी रिवर्सिबल, फिजिकल चेंज मोस्टली रिवर्सिबल ही होता है। जैसे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज, अब इसके लक्षण क्या है, इसमें देखो इसके गुण क्या है। देखो, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस, यानी फिजिकल चेंज के जो करेक्टरिस्टिक क्या है, तो देखो ध्यान से इसके लक्षण।
यानी इसकी पहचान कैसे करेंगे, फिजिकल चेंज है, अपना आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि केमिकल चेंज है। तो देखो पहली जो है वो विशेषता, वो स्पेसिफिसिटी, वो क्या स्पेसिफिक क्या है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यहाँ पे कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, सेम ओरिजिनल रहता है। द चेंज इज टेम्परेरी, चेंज टेम्परेरी होता है थोड़े समय के लिए। द चेंज कैन बी रिवर्स्ड ऑन विदड्रोवन द एजेंट विच कोज द चेंजेस, जब चेंज करना चाहें तो उसको वापस रिवर्स कर सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ मैटर रिमेन्स अनलेटर्ड, जो भी मैटर बनेगा वो अनलेटर्ड होगा। सम चेंजेस ऑक्यूर्स इन देयर फिजिकल सच एज स्टेट साइज स्मेल कलर एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी कुछ चेंज होते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, जैसे स्टेट के आधार पर, स्टेट बेसिस, साइज, कलर बेसिस, स्मेल बेसिस। अब देखो एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस, सबसे पहला फर्स्ट एग्जाम्पल है कंडेंसेशन ऑफ वाटर, सेकेंड है डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, थर्ड है ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, फोर्थ है मेल्टिंग ऑफ एन आयरन रोड, फिफ्थ है कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स इन टू स्मॉल पीसेज, सिक्स्थ है डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज वाटर, ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ, चॉपिंग ऑफ वुड और मोल्डिंग एट क्ले। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना केमिकल चेंज। अगला देखो केमिकल चेंज, केमिकल चेंज का मैं सीधा बता देता हूँ, ये कभी भी यहाँ दिख नहीं रहा इतना क्लियर। केमिकल चेंज जो परमानेंट परमानेंट चेंज होता है, कैसा होता है, इन परमानेंट चेंज केमिकल चेंज ऑलमोस्ट परमानेंट चेंज विच इज कंपोजिशन ऑफ द एब्सेंट चार्ज अराइविंग, नजर नहीं आ रहा है मैं सीधा ही बता रहा हूँ थोड़ा बुक्स थी नहीं तो फोटोज के द्वारा कर रहे हैं। केमिकल चेंज इसमें क्या होता है, कोई हमेशा नया पदार्थ बनेगा, कोई भी प्रोडक्ट है वो नया बनेगा, उसमें कभी भी चेंज नहीं आएगा। केमिकल चेंज आप कभी भी चेंज नहीं होगा, जैसे आपने आटा लगाया रोटी बनाई, ठीक है ना, रोटी में क्या, रोटी पकने के बाद वापस उस स्टेट में नहीं आएगी। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में था कि ये इसमें कभी नया पदार्थ नहीं बनेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मैं सीधा ही जनरली बता रहा हूँ कि इसमें क्या होगा, जो चीज चेंज होगी वो 100% होगी, और इसमें कोई फिजिकल स्टेट में ही नहीं, सब जगह चेंज हो ही जाएगा, परिवर्तन होगा, फिक्स है। इसमें इसके अपन करेक्टरिस्टिक देखते उससे अपने को समझ में आ जाएगा। देखो ठीक है, वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, यानी एक से ज्यादा नए पदार्थ बनेंगे, ठीक है ना। फिर यह कलर चेंज टेक्स प्लेस, कलर भी अपनी चेंज प्लेस करेगा। फिर क्या, गेम ऑफ द गैस मे बी फाउंड, गैस भी प्राप्त हो सकती है, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे किसी को जलाओगे तो गैस प्राप्त होगी। हीट और लाइट मे बी गिवन ऑफ, हीट और लाइट का भी गिवन ऑफ अब्सॉर्ब्ड, या तो हीट और लाइट गिवन ऑफ होगी या अब्सॉर्ब्ड होगी, मतलब या तो उससे रिमूव होगी या ऑब्जर्व करेंगे हम, मतलब एब्जॉर्ब यानी ग्रहण करेंगे। अ चेंज इन द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इन टेक्स प्लेस। अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ गैस, फिर कर्डिंग ऑफ मिल्क, डाइजेस्टेड फूड, डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, लाइटनिंग मेक एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स, या एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क्स, ये इसके एग्जाम्पल, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ गैस, एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क्स, ये बीच में कोई नजर, कर्डिंग ऑफ मिल्क, डाइजेस्ट ऑफ फूड, ये सब चीजें केमिकल चेंज है, ठीक है ना। तो ये तो था अपना फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।